क्या भैया नोट गिनने का प्रोग्राम चल रहा है? कितने जमा हो गए? कुछ नहीं, दिन रात मेहनत करने के बाद पेट काट काट कर पैसा जमा करने के बावजूद सिर्फ 900 रुपए जमा कर पाया। समझ में नहीं आता यार मेरा क्या होगा। भैया ये बंबई शहर है, इसमें इतनी जल्दी हिम्मत हारोगे तो कुछ नहीं होने वाला। हिम्मत ना हारू तो क्या करूं? दिन का 50 और 100 रुपया कमाने वाला आदमी साहब जी का लाखों रुपए का कर्जा कैसे उतार सकता है? जहां नियत अच्छी होती है ना वहां सब कुछ हो सकता है। नहीं यार एयरपोर्ट, पैसा कमाने के लिए आदमी को चालाक चतुर और पढ़ा लिखा होना चाहिए, और मैं ठहरा अनपढ़ गवार और मूर्ख। मैं क्या कर सकता हूं यार? सब ठीक हो जाएगा भैया, बहू पर बैठा है ना, सब ठीक कर देगा वो। भगवान इस लायक बना दे मुझे कि मैं अपने साहब जी के पुराने दिन वापस ला सकूं। 6501 टेक वन एक्शन। हाँ हाँ, मैं एक मुजरिम हूं और जुर्म के इस काले काटे। I'm sorry यार, मेगा फिद्रा। टेक वन एक्शन। हाँ हाँ, मैं एक मुजरिम हूं और गार्डन। सॉरी यार। टेक नाइन एक्शन। हाँ हाँ, मैं एक मुजरिम हूं और ये किसके कैसे हैं? हटाओ यार, शूटिंग हो रही है। हाँ हाँ, मैं एक मुजरिम हूं। यार ये लाइट ऑफ करो, पूरी कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक हो रही है। चेंज दिस लाइट। मेकअप इन इट्स कॉन्सेंट्रेशन सुपरस्टार इडियट। अरे बाल सवारना छोड़, एक्टिंग कर। एक्टिंग देखेंगे। 138 एक्शन। हाँ साइलेंस, ये बुमबेरे मुंबे डालोगे ऊपर करो, शूटिंग हो रही है, मजाक हो रहा है। Who the hell is laughing? Who's that? ए, क्या रे, तू हंसा? Sorry sir. What the hell sorry? क्या है साहब, अभी आप इतने अच्छी तरीके से उनको समझा रहे हैं, हम लोगों की समझ में आ गया मगर उनको नहीं आ रहा है। तेरी समझ में आया? हाँ। तू ये सब डायलॉग बोलेगा? हाँ, मेरे को याद है ना डायलॉग। इतना लंबा डायलॉग उधर जाके बोलेगा तू कैमरे के सामने? बुरा मान जाएंगे। तू डायलॉग बोलेगा? नहीं सब, बुरा मान जाएंगे वो। तू डायलॉग बोलेगा? ठीक है साहब, बोलते तो बोल के बता दो। जल्द देखता हूं तुझे। हाँ, मुझे हूं जो उनकी काली दुनिया के लोग मेरे नाम से भी कहते हैं। इंसानियत के नाम पे बदनुमा धब्बा हूं मैं। मैं जानता हूं कि तुम मेरे नाम से भी नफरत करती हो, मुझे बहुत बड़ा गलत इंसान समझती हो, मगर मेरा यह विश्वास है कि दुनिया का कोई इंसान बुरा आदमी नहीं होता, कोई आदमी अपनी मां के पेट में बुरा बच्चा नहीं होता। कोई चोर अपनी खुशी से चोरी नहीं करता, कोई डाकू अपनी खुशी से डाकू नहीं डालता, कोई तवायफ अपनी खुशी से अपने जिसे नहीं बेचती। वक्त और हालात इंसान को बुरा बनने पर मजबूर कर देते हैं, और तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि भूख और गरीबी से मरे हुए इंसान को कफन भी नसीब नहीं होता। तब से मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज सीखी है, एक ही सबक पाया है कि दुनिया में गरीब पैदा होना कोई जुर्म नहीं, कोई पाप नहीं, मगर गरीब मरना सबसे बड़ा जुर्म है, सबसे बड़ा पाप है। ब्रावो ब्रावो। भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। सच कहो, जिंदगी में दो बार खुश हुआ हूं, एक दिन जब देश को आजादी मिली थी और एक दिन आज जब मेरे दोस्त को कामयाबी मिली है।